ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव शमाधात्री सुहासुधा नमस्तु ते। नमस्कार मित्रों, मैं तारना तांत्रिक स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। चमत्कार को नमस्कार, ये हमारे हर हिंदुस्तानी के मन में एक भ्रम पैदा हो गया है, यानी चमत्कार हो तो वहीं पे हम सब नमस्कार करेंगे, जहां पे कोई चमत्कार नहीं वहां पे किसी का नमस्कार नहीं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चीज के बारे में बात करूंगा, शायद आपको सुनकर हैरानी होगी कि गुरुजी आप ये क्या बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक शिष्य दिसाई नाम के है, उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा था कि गुरुजी जो उल्टे बैल के नाम है, उल्टे बैल या चिरंजीवी बूटी या तो कभी कि चिता लकड़ी ऐसा कुछ नाम से जाना जाता है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ पता है, मुझे कुछ बताइए। तो सच बोले तो मेरे गुरुजी ने मेरे को उतना ही चीज सिखाए थे जितना रियलिटी में है, जो नहीं है उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया कि जो रियलिटी में हो सकता है, जो किया जा सकता है, जिसका प्रयोग आज भी होते हैं। मेरे गुरुजी ने बस मुझे उतना ही सिखाया। मेरे गुरुजी ने मेरे को लाखों सिद्धियां नहीं करवाए, लाखों साधना नहीं करवाए। मेरे गुरु जिससे मैंने सीखा, मेरे परम पूजनीय गुरुजी ने मेरे को कुछ ऐसे चीज सिखाए जिससे लोगों का भी भला हो, लोग समाज में चल पाए, उसके चलते फिरते जो समस्या है उसको निवारण और उसको मुक्ति की मार्ग दिखाना। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे उल्टे बैल के बारे में या चिता लकड़ी जिसको हम बोलते हैं उनके बारे में, इसका राज क्या है। इसका कुछ वीडियो आप लोगों ने देखा है यूट्यूब में, ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो चुका है जो बहुत सारे लोग देख चुके हैं, और इसके बारे में एक के बाद एक ऐसा आया है कि मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं देखूं, देख के लोगों को जवाब दूं इसके बारे में। तो शायद मेरे जवाब देने से पहले ही बहुत सारे लोगों ने इसके लिए जवाब दे दिए, इसलिए उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं दिल से, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग आए हैं जो बोले कि वो उस लकड़ी के लिए वो लाखों रुपए पेमेंट कर चुका है, बाद में पता चला वो तो लकड़ी तो मिला ही नहीं और जो भी मिला वो कोई काम की चीज नहीं है। ये बताया जाता है कि अगर उल्टे बैल की लकड़ी अगर किसी के पास हो जाए तो वो सर्वभूत प्रेत बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त तो होते ही है, और उस लकड़ी अगर आपके पास है तो आप किसी को भी कभी भी वश में ला सकते हो। किसी भी कार्य में अगर आप जाओगे, उस लकड़ी के टुकड़े अगर आपके साथ होगा तो वो कार्य कभी आपका असफल नहीं होगा। आप लोगों को जो बोलोगे लोग वो ही विश्वास करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रयोग की विधि में कहा गया है। मित्रों, चिरंजीवी बूटी तो होता है और जो मेरे पास भी है और जिसका मैं इस्तेमाल लोगों की कभी कभी बहुत सारे लोगों की जो बीमारी होते हैं, जो बहुत जगह दिखा चुका है वो ठीक नहीं होते, तो मैंने उनका इस्तेमाल गुरु के नाम से करता हूं तो लोगों का भला होते हैं। इसका तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि वो मेरे पास वजूदगी है जो मैंने मेरे लाइफ में देखा है। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है, मैं कुछ वीडियोस की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दूंगा और कुछ मैं वीडियो क्लिप में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये उल्टे बैल के नाम से लोगों को ठग रहा है। मित्रों, तंत्र साधना तंत्र विद्या को ठगने की विद्या नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हमारे हर हिंदुस्तानी तो चमत्कार पे नमस्कार में विश्वास रखते हैं, अगर थोड़ी सी किसी के अंदर चमत्कार देख लिए तो वो तो बहुत महान है। तो मैं तो उतने चमत्कारी इंसान नहीं हूं, मैं एक छोटा सा माँ तारा की साधक हूं। मैं आप लोगों की समस्या सुनता हूं, उनको मैं माँ के चरणों तक पहुंचाता हूं। माँ की मर्जी हुई तो आप लोग को अच्छे होते हैं, और अगर उनका अच्छा नहीं हुआ तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो आइए कुछ ऐसे ही जो उल्टे बैल की लकड़ी की कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाता हूं, फिर वीडियो देखने के बाद आपको इसके पूरे डिटेल्स समझाता हूं।
तो मित्रों आप लोग तो वीडियो क्लिप्स देख चुके हो, तो इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करके हो, मेरे व्हाट्सएप में हो। और एक बात कि इस वीडियो के अंदर कहीं पे भी कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, जो लकड़ी को पानी के अंदर डाला जा रहा है और वो लकड़ी चले जा रहा है, वो एक्चुअली दूसरी तरफ से एक बंदा उसको सूते से उसको लकड़ी को खींच रहा है जो पानी के ऊपर चल रहा है। और लकड़ी की दिशा अगर वैसा होगा, वो अगर पानी में खींचा जाएगा तो वो घूमेगा ही। और एक जो आपको इसका जो और एक जो मैंने आपको जो क्लिप दिखाए थे कि जिसमें एक बंदा ऐसे वो लकड़ी को नल के पानी के ऊपर कर रहा है, वो लकड़ी के ऊपर घूमते घूमते ऊपर उठ रहा है। मित्र आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वो लकड़ी का और पाइप का डिस्टेंस हमसे एक ही रह रही है, वो कम ज्यादा नहीं हो रहा है ना। तो लकड़ी अगर उठता है तो मैं मान लेता हूं वो उठ रहा है, तो अगर वो सीधा डायरेक्ट उठ जाना चाहिए, वो धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए। वो पाइप को भी ऊपर उठा रहा है, वो लकड़ी भी ऊपर जा रही है, वो पाइप को भी नीचे ला रहा है, लकड़ी भी नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब आप लोगों को पूरा समझ चुके हो, कभी भी ऐसे चमत्कार पे विश्वास नहीं रखना है। अगर आपको किसी तांत्रिक से हो या किसी से भी आपको कार्य करवाना है, तो आपके मन के विश्वास रखिए, आस्था रखिए उस शक्तियों के ऊपर जिसने ये पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, जिसने हमको बनाया है। उनके पास तो हमारा इलाज जरूर है, उनके ऊपर अगर हम विश्वास और भरोसा रखेंगे तो वो तो हमको जरूर ईशा से बाहर निकलेंगे। तो मित्रों वीडियो थोड़ा और लंबा हो गया है, माफ कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो, और भी जो लोग ऐसे ठगने के चांसेस है इससे बाहर आ जाए, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो के लिंक को आप डाउनलोड करें और इस वीडियो को अपने ग्रुप में हो, फेसबुक ग्रुप में हो, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हो, या अपने रिलेशन में, अपने फोन में जितने भी मित्र है जिनको आप ये लिंक शेयर कर सकते हो, उनसे शेयर करिए, उनको बचाइए। परेशानी तो आएगा ही हमको, हम उसे जम के उसका मुकाबला तो हम सभी को करना है, लेकिन कभी भी ऐसे गलत चीजों पे मत पड़ना। मित्रों और भी अच्छे अच्छे जो तंत्र के विषय में है, तंत्र शास्त्र में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं मेरे चैनल पे लाता रहूंगा। आप लोग लाइक करके बता दीजिए आप लोगों को क्या लग रहा है, वीडियो कितना जबरदस्त हो रहा है, और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। तो आज के लिए विदा लेता हूं, जय माता रानी, जय मां कामाख्या।